नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा जाजू। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पर जाने के पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर या बच्चे दाने के मुख कैंसर क्या होता है। एक्चुअली हमारी जो बच्चेदानी रहती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी और दूसरा बच्चेदानी का मुंह। तो ऊपर वाले पार्ट को हम यूट्रस बोलते हैं और जो बच्चेदानी का मुंह है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। हम इसकी स्क्रीनिंग की बात क्यों कर रहे हैं? सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है, मतलब फर्स्ट कैंसर है, एक नंबर पे है कैंसर इंडिया में। नेक्स्ट कैंसर जो वीमेन में होता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने स्क्रीनिंग के द्वारा सर्वाइकल कैंसर को खत्म कर दिया है, मगर हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे वीमेन ये कहें कि 67,000 वीमेन हर साल सर्वाइकल कैंसर से मरती हैं और करीब 1,22,000 जो महिलाएं हैं वो सर्वाइकल कैंसर के लिए डायग्नोज होती हैं। तो आप सोचिए कितनी मात्रा में कैंसर हो रहा है और कितनी महिलाओं की जान ले रहा है। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ इवन एजुकेटेड जो वीमेन है उनको भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ। सर्वाइकल कैंसर होने का कारण क्या रहता है? जो सबसे कॉमन कारण है 99% जिस जो कारण है वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ओके, HPV इन्फेक्शन। फैलता कैसे है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये पार्टनर्स से महिलाओं में फैलता है, ओके? तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए क्या करना है? फॉरेन में तो 21 ईयर से स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है और 65 ईयर्स तक चलती है और इसकी गाइडलाइन है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, मगर इंडिया में ये संभव नहीं हो पा रहा है। इवन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए नेशनल प्रोग्राम भी है, मगर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या अवेयरनेस की कमी का हो विमेन आती ही नहीं है। तो स्क्रीनिंग कैसे करना है, कब करना है? तो कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग इंडिया में अधिकतर हम 30-35 ईयर्स में शुरू करते हैं, पैप स्मियर से करते हैं या पैप टेस्ट करते हैं। इसको हर 3 साल में रिपीट किया जाता है यदि टेस्ट नॉर्मल आती है तो, और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स करते हैं, राइट? दूसरी एक और टेस्ट होती है HPV। जब हम HPV टेस्ट को पैप स्मियर के साथ कंबाइन करते हैं तो एवरी 5 ईयर्स हम ये टेस्ट करते हैं यदि आपका टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है तो, ओके? और यदि टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसका अलग तरीका है। तो स्क्रीनिंग में हम केवल इतनी बात करते हैं कि हर महिला जो 30 साल से ऊपर की है इंडिया में और 65 से कम है उनको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए, या तो अकेले पैप टेस्ट से कराइए जो कि एवरी 3 ईयर्स है, और या फिर एवरी 5 ईयर्स कराइए जिसमें पैप टेस्ट एंड HPV टेस्टिंग कंबाइन किया जाता है, ओके? आप सोचिए 53 महिलाओं में से एक महिला को उनकी लाइफ टाइम में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो कितना ह्यूज है इसका स्प्रेड सर्वाइकल कैंसर का, तो भी इंडिया में हम लोग अवेयर नहीं है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हर महिला को जरूर कराना चाहिए जो कि सेक्सुअली एक्टिव है। और जहां तक HPV इन्फेक्शन की बात है, जो भी सेक्सुअली एक्टिव महिला है उसको जिंदगी में एक बार HPV इन्फेक्शन तो होना ही है, ओके? तो इसको रोका कैसे जा सकता है?
अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन निकल गया है जिसको HPV वैक्सीन, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के नाम से वो जाना जाता है। और इसको 9 इयर्स से 45 इयर्स तक कभी भी लगाया जा सकता है। मैं अधिकतर सजेस्ट करती हूँ कि एडोलेसेंस में इसको लगवा लें, मतलब 17-18 साल, 15 साल से ऊपर भी कह सकते हैं लगवा लें। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्या है, कैसे दिया जाता है और कब दिया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है, यदि गर्ल 15 साल से कम है तो उसको 2 डोज दिए जाते हैं। एक डोज जैसे आज दिया तो दूसरा डोज 6 महीने बाद लगता है। और जो 15 साल से ऊपर है उनको 3 डोजेस लगते हैं। जैसे एक आज दिया तो उसको 0 डोज बोलते हैं या डोज 1 बोलते हैं, और सेकेंड डोज 1 महीने बाद, और थर्ड डोज 6 मंथ बाद। इस तरह से इसका टीकाकरण किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस को फैलाना, और इसी उद्देश्य से ये वीडियो भी है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, सर्वाइकल कैंसर के बारे में समझिए, उसकी स्क्रीनिंग के बारे में जैसा मैंने बताया उस तरह से जरूर फॉलो कीजिए। तो एटलीस्ट जो कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है उसको तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट। देयर आर मेनी कैंसर्स जो हम रोक ही नहीं सकते हैं, उनके बारे में जल्दी पता भी नहीं लगा सकते हैं। वो टेस्ट, पेप टेस्ट बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या करना रहता है कि आप जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए लेटते हैं वैसे ही लेटना रहता है, और एक सिंपल ब्रश रहता है, उससे हम बच्चेदानी के मुंह के आसपास और मुंह के अंदर से जो सिक्रीशन रहता है उसको लेते हैं और उससे करते हैं, और HPV टेस्टिंग भी उसी से की जाती है, राइट। तो बहुत सिंपल टेस्ट है, केवल अवेयरनेस की जरूरत है। तो अंत में, सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है, इसको इजीली जल्दी डायग्नोज किया जा सकता है, और यदि डायग्नोज करके ट्रीटमेंट दे दें तो महिला पूरी तरह से स्वस्थ रह सकती है। ओके, तो स्क्रीनिंग जरूर करवाएं 30 इयर्स से 65 इयर्स तक। और दूसरा, यदि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन नहीं लिया है, जो 9 to 45 इयर्स की एज में आते हैं, वो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू।